श्री शिवानमस्तव्यम भक्तों। तो आज हम आपको लेके आए हैं कुब्रेश्वर धाम सीहोर में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बार फिर से कुब्रेश्वर धाम में रुद्राक्ष का वितरण शुरू हो चुका है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी रुद्राक्ष लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका आपका आधार कार्ड रखना है और पहुँच जाना है कुब्रेश्वर धाम। यहाँ पर आपको कुब्रेश्वर धाम में बढ़िया दर्शन करके जो हमने शुरू में टीन शेड दिखाया था वहाँ पे पहुँचना है। अभी हम आपको वापस से दिखाएंगे। वहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अभी रुद्राक्ष वितरण में ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है और रुद्राक्ष आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत फास्ट काम है वहाँ पे और भीड़ भी कम है। तो अभी आप जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी रुद्राक्ष मिल सकता है। और 16 तारीख जो है, 16 तारीख को पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो कुब्रेश्वर धाम में हंसराज रघुवंशी आने वाले हैं, जो कि बहुत ही फेमस भजन गायक हैं और बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। तो आप चाहें तो 16 तारीख को यहाँ आके भजन का आनंद ले सकते हैं। और ये देखिए, ये जो आप सामने रेलिंग दिख रहे हैं, पूरी जो लाइन लगी है ये रुद्राक्ष वितरण के लिए है। और इस साइड जो लोग बैठे हैं इन्होंने रुद्राक्ष ले लिया है। और यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 11 से शाम को 6-7 बजे तक भंडारा चलता है। तो आप भोजन की चिंता ना करें, क्योंकि भोजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और रुद्राक्ष और भोजन प्राप्त करके आप बढ़िया अपने घर जाइए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम।